हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोग का नवी वीडियो में। तो भाई मेरा नाम गरिमा है और अभी मैं तंजानिया में हूँ। जिस टाउन में हूँ मैं उसका नाम है किगोमा और अभी हम रेलवे स्टेशन में थे। ये भाई आप लोग इधर से देख सकते हैं, ये किगोमा का रेलवे स्टेशन है। ये बहुत हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। तो जैसे यार मैंने बताया कि भाई मैं किगोमा के स्टेशन में, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही है। बट ये भाई किगोमा स्टेशन के नज़ारे हैं एंड ये भाई ट्रेन है। और मज़े की बात यह है यार, ये ट्रेन इंडिया से आ रखी है, तो वेरी इंटरेस्टिंग एंडिया। पहले पुरानी वाली ट्रेन होती थी जर्मन के टाइम की, वो पूरी घिस चुकी थी, चलनी बंद हो गई थी। तो इनके पास भाई इंडिया ने बोला कि हम आपको ट्रेन दे देते हैं, आप पैसे थोड़े कंट्रीब्यूट कर देना। तो पता नहीं फ्री में दिया कि लोन पे दिया है, लेकिन इंडिया ने फिर तंजानिया को ट्रेन दी है। तो भाई किगोमा को अलविदा, बाय। ट्रेन चल दी है भाई हमारी, और मैंने टिकट लिया है सेकंड सीटिंग की। भाई अफ्रीकन भी इंडियन से कम नहीं है, जल्दी ट्रेन में चढ़ना उतरना सब जानते हैं लोग। You want to close it? Yes. Okay. थोड़ी देर में यार आपको ट्रेन का टूर करवाते हैं हम। मजा आएगा यार सच में ट्रेन में। देखकर मैं क्या कह रही थी, मैंने पहली बार अफ्रीका में ट्रेन ली है एंड सही एक्सपीरियंस है अभी तक। अभी एक स्टेशन आया है एंड ट्रेन रुक गई है, मैं सो रखी थी एक्चुअली। तो इधर भाई लोकल टोटो है यहाँ के, ए मांबो इंग्लिश, नो इंग्लिश, सावा। इस तरफ भाई फार्मिंग चल रही है, मामा लोकल फार्मिंग कर रहे हैं। एंड इस ट्रेन में यार गाने भी चलते हैं, आपको सुन रहा होगा। इसको भाई लॉक कर देते हैं। तो जनाब ये स्टेशन क्या है मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ट्रेन इधर रुकी है और हम दरअसल हम तो भाई कल ही पहुंचेंगे। बहुत सही यार, तंजानिया में आज भी बादल हैं, बहुत सुंदर। एंड मैं चल रही हूँ आपको स्लीपिंग कंपार्टमेंट दिखाती हूँ इस ट्रेन का सबसे पहले। तो जनाब यार बात ऐसी है कि मेरी सीट है बैठने वाली जगह की, सेकंड सीटिंग की मैंने टिकट ली है। तो यार टिकट आई थी 47,000 तंजानियन शिलिंग की बैठने वाली जगह की, और फिर स्लीपिंग कंपार्टमेंट की टिकट है 65,000 तंजानियन शिलिंग की। लेकिन मैंने भाई वहाँ से इधर क्रॉस करा तो एक दो सीटें खाली थी स्लीपिंग में, और यहाँ पे जो मैनेज कर रही है लेडी वो कहती है ठीक है आप सो जाओ। तो हमें थोड़ी देर में सीट मिल गई थी सोने के लिए, तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ एरिया। तो भाई ये इधर ऐसे दिखता है स्लीपिंग कंपार्टमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः सीटें हैं भाई इधर, जैसे अपने इंडिया में होती हैं। और हाथ वगैरह धोने के लिए इधर पानी भी है और पानी आता भी है, गजब। यार बारियाँ भी बड़ी अच्छी हैं, बड़ी खुली डुल्ली, तो लग्जरी टाइप की वाइब है बिल्कुल, वाओ नाइस। अभी स्टेशन पे रुकी थी ट्रेन लेकिन अब चल दी है। तो दादा वीडियो ओके, नो ओके सावा। तो भाई ट्रेन चल दी है एंड सही गजब। Thank you.
them how the beautiful Afghan food. Tell them. Beans is good. Yeah. What about meeting? Rice. The rice is good. It's good. Yeah, rice is good. Rice is good. Yeah. So yeah, Bali Maragi. Warm Maragi, yeah. Of course. Warm Maragi. It's very warm Maragi. It's only warm Maragi. Oh, but yeah. You know, someone who knows speaks Swahili. Me? Yes. Little. Little. तो यार अभी सनसेट हो रहा है बिल्कुल एंड इधर एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है ऑलमोस्ट यार 15 मिनट हो गया ट्रेन रुके हुए को तो बहुत टाइम हो गया थोड़ा नीचे उतरती हूँ मैं गजब वैसे यार इस रूम में हूँ मैं इस वाले में मेरा फ़ोन वगैरह सब अंदर ही है कोई चोरी करके ना ले जाए बट वैसे तंजानिया में इतनी ज़्यादा चोरी नहीं होती तो आई थिंक सेफ ही है एंड मेरा जो एक बड़े वाला बैग है वो वहाँ पे कहीं है तो मैं तंजानिया में अपने सामान ऐसे ही बस ट्रेन में लोगों को बोल के छोड़ जाती हूँ कि ध्यान रखना एंड वो लोग ध्यान रख लेते हैं फिर बहुत अच्छे लोग हैं नाइस सिटिंग है जैसा आप लोगों को दिख रहा है अभी तो कुछ पैसेंजर रह गए हैं बाकी मोरोगोरो में उतर गए थे भाई इधर बहुत गर्मी हो गई इधर सबको यार तैयार हो रहा है बैग वगैरह सबने उतार लिए ऑलमोस्ट तो सही ये मेरे बैग हैं एंड ये यूसुफ की मच्छी पड़ी है जो उनकी मम्मा ने दी थी तो भाई हम दर असलाम पहुँच गए हैं ये हमारी ट्रेन थी आप लोगों ने देखा स्लीपिंग क्लास और सिटिंग क्लास ट्रेन बहुत अच्छी थी ठीक थी बट स्लो है इतनी फास्ट नहीं है जितने हमारे इंडिया में चलती है तो अब चलना है यार घर की तरफ बहुत टायर्ड हो गया यार बहुत लंबा सफ़र था मजाक नहीं चलिए यार चलते हैं बोड़ा बोड़ा ढूंढना पड़ेगा भाई यार इधर का रेलवे स्टेशन यही है क्या मेरे को ये समझ नहीं आ रहा बट सब कुछ सामान वगैरह उतारना यहीं पे हो रहा है आप लोग देख सकते हैं गजब रेलवे स्टेशन है यार वाह गैरेज आने के पास में ही है वैसे तो अभी यार फिलहाल बोड़ा बोड़ा ढूंढना है हमें ये इधर और भी इंजन वगैरह हैं दूसरे तो या चलिए यार चलते हैं बैग बहुत है मैं वीडियो बाद में बनाती हूँ यार घोड़ा मिल गया फिर जाने के लिए तो जहाँ तक हमें जाना है वहाँ पर वीडियो दरअसलम बहुत बिजी शहर है वाह यार मैं ट्रेन से जैसा आप लोगों को पता है दरअसलम आ गई थी उस दिन एंड लेकिन मैंने दो दिन वीडियो नहीं बनाई आज एडिट करनी है तो मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपने पुरानी दरअसलम की वीडियो में भाभी को देखा होगा मैंने मिलवाया था आपको वीडियो में तो भाभी अभी तो गए हैं टांगा की तरफ घूमने
एंड क्रिसमस पे मैं भी एक और टाउन में जाऊंगी घूमने के लिए, तो उनसे मिलूंगी तब। बट अभी भाई मैं आपको डाडा से मिलवाती हूँ। इधर दादा मामबो ए गुड ए। तो दादा भाई अभी दाल और चावल बना रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया यार। मेरे को खाना बनाने में थोड़ा आलस आता है, तो दादा मदद कर रहे हैं। एंड ये भाई ट्रेन वाली वीडियो थी, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं, एंड होपफुली क्रिसमस अच्छा जाएगा, तो क्रिसमस का भी ब्लॉग बनाएंगे। तो या